हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है टोमेटोज की सॉल्ट वाली चटनी। लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। तो मेरी इस रेसिपी का मेन हीरो है ये लाल लाल टमाटर, और इसके साथ आपको चाहिए हरी मिर्च और प्याज। आपको लेना है एक लोहे की जाली जिस पर आप टमाटर को प्लेस करके गैस के फ्लेम में इसे पकाएं। आपको इसे चारों ओर से पकाना है। आप चिमटे का सहारा लेकर इसे घुमा सकते हैं और इसे इसी तरह हाई फ्लेम में आपको पकाना है। आप देख सकते हैं कि पकने पर इसके जो छिलके हैं वो काले रंग के हो जाते हैं, तो इसी तरह से आपको इसे चारों ओर से पकाना है जब तक कि इसका पूरा छिलका काले रंग का ना हो जाए। गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक हम प्याज को जो है बारीक ही कट कर लेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मेरे यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह कट कर लिया है और अब मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ। मेरी हरी मिर्च भी कट कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से पक चुके हैं, चारों ओर से ये जो है पक चुका है और इसके छिलके का रंग जो है वो पूरा काला हो चुका है। अब आप चिमटे की मदद से इसे गैस की फ्लेम से उतार कर प्लेट पर रख लें। और अब कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने दें। बाकी बचे हुए टमाटर को भी उसी तरह से हाई फ्लेम में पका लें। टमाटर को बिल्कुल इसी तरह से पकाए, कोई और तरीका ना अपनाए। अब जो है ये टमाटर कुछ ठंडा हो चुका है तो इसी तरह हम इसके जो छिलके हैं वो उतार लेंगे। में अपने जो सेकेंड बैच चढ़ाए टमाटर को उसे चेक करते रहे और सभी टमाटर को छीले। अब हमारा सेकेंड बैच जो था टमाटर का वो भी पक चुका है। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से ये पक चुका है, तो इसे भी हम प्लेट पर उतार लेंगे। और इसके छिलकों को भी छील लेंगे। सभी टमाटर के छिलके को छील लिया है और अब मैं इसे हाथ से मैश करने जा रही हूँ। तो आपको इसे हाथ से ही मैश करना है क्योंकि और कोई तरीका से आप इसे मैश नहीं कर सकते हैं। तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद सभी टमाटर को इसी तरह मैश करें। करने के बाद जो टमाटर के ये बीज का हिस्सा है उसे आपको निकाल कर बाहर फेंक देना है।
आप देख सकते हैं मैंने सभी टमाटर को मैश कर लिया है। अब आप एक बर्तन में कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च को ले ले और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाले। और स्वाद अनुसार नमक डाल दे। उसके बाद आपने जो टमाटर को मैश करके उसकी प्यूरी निकाली थी उसे आप इसमें मिला दें। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो और आप और नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी टोमेटो की सॉल्ट वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है फाइनल लुक हमारी चटनी का। आप इस चटनी को रोटी, चावल, किसी भी पकौड़े के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं।